हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा, अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। भाइयों बहनों, आज किसानों को जो फसल के बीमा का पैसा मिल रहा है, अकेले कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपया, अगर भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का भी अगर पैकेज घोषित कर दिया होता किसानों का तो यहां पर वाहवाही होती, ये मोदी तो सबसे बड़ा किसान का नेता है ऐसा बोल दिया जाता। सारे देश में भी अगर मैं 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर देता तो न जाने कितनी कितनी वाहवाही होती। लेकिन हम एक ऐसी योजना लाए अकेले कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपयों का भुगतान मेरे किसान भाइयों बहनों को हुआ। नमस्कार किसान भैया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएँ। और मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना एक किसान के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम किसान हैं और फसलों की बुआई की है तो उस फसल का अपने को बीमा कराना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी प्रतिकूल मौसम या बेमौसमी बरसात, चक्रवात, तूफान या अकाल सूखा कभी बता के नहीं आता है और कभी भी हो सकता है। और यदि आप एक लीगल तरीके से अपनी बुई हुई फसल का बीमा करवाते हैं, फसल के अंदर क्षति यानी नुकसान होने पर सही समय पर बताए गए नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा के और कंप्लेन नंबर प्राप्त करते हैं, या समय पर आप बैंक या कृषि विभाग को इन्फॉर्म देते हैं और अपने खेत का अगर सर्वे करा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में उस फसल का जो क्लेम है, जितने प्रतिशत क्षति हुई है उसका क्लेम आपके खाते में जरूर आता है। और इससे पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसमें रूप में किसानों को 14,500 करोड़ रुपए दिए गए। करीब 2021 में 1 करोड़ इंडिया प्लस की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इस वर्ष यानी कि 2021 की जो खरीफ सीजन में है वो किसानों को कितने अरबों करोड़ों का जो क्लेम मिला है। तो उस रिपोर्ट को आप देख सकते हो कि किस तरह से किसानों को लाभ होता है। तो इस वीडियो में हम एक आसान आसान चीज़ें आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है वो हमारी फसल से जुड़े नुकसान से संबंधित हैं। यदि हमारी बोई गई फसल का किसी वजह से यानी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से यदि नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करने का एक जरिया है या माध्यम है फसल बीमा। ऋणी और गैर ऋणी यानी जिसने बैंक या कोऑपरेटिव से लोन ले रखा है उसका अपने आप जो गिरदावरी में वो फसल लिख के देता है उसके अनुसार उसका बीमा हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जो इसने लोन नहीं ले रखा है वो भी चाहे तो अपनी फसल का ग्राहक सेवा केंद्र पर जा कर के और बीमा करवा सकता है। और अगर किसी किसान के नाम जमीन नहीं है तो और किसी दूसरे की ज़मीन वो किराए पे रहता है और उसका एक लीगल तरीके से एग्रीमेंट बनाता है तो बटाईदार, जिसको यानी कि हम यहाँ पर हमारे स्थानीय भाषा में इजारा बोलते हैं, वो किसान भी बीमा करवा सकता है और फसल से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कि फसल जो आप जिस भी फसल का बीमा करवाते हैं
तो बीमित राशि का खरीफ सीजन के लिए 2% प्रीमियम का आपको भुगतान करना होता है और बाकी का जो भुगतान है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब फसल को जोखिम कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें एक है कि यदि आपने बुआई की है और प्रतिकूल मौसम या कम वर्षा होने के कारण बीज अंकुरित ही नहीं हुआ तो आपको इसका लाभ मिलेगा, और ऐसा किसी एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत खेत में नहीं हो सकता, एक पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह की समस्या होती है, तो उस क्षेत्र में जिन किसानों ने बीमा कराया है उन सबको लाभ मिलेगा। दूसरा, किसी क्षेत्र विशेष में सूखा पड़ जाता है यानी कि अकाल पड़ जाता है, या किसी क्षेत्र विशेष में टीड़ का प्रकोप हो जाता है, या कोई ऐसी व्याधि या रोग जिसका ट्रीटमेंट संभव नहीं, वो एक पूरे प्रतिकूलर एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं, तो उस क्षेत्र के सभी किसानों को जिन्होंने बीमा करा रखा है उनको लाभ मिलता है। दूसरा है कि यदि किसी किसान के खेत में आकाश से बिजली गिर जाती है, या तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान या स्लाइडिंग यानी भूस्खलन, किसी खेत में पानी के बहाव के साथ में ज़मीन कट के फसल बह जाती हैं या पूरी फसल पानी के अंदर डूब जाती हैं, तो इन स्थितियों के अंदर किसान अपने एक व्यक्तिगत रूप से वो अपने एक खेत की यानी कि वो शिकायत दर्ज करा सकता है और अपने खेत का सर्वे करा के कि मेरे खेत में इस प्रकार नुकसान हुआ है, तो शिकायत दर्ज कराने पे एक सर्वे टीम आके उस खेत का सर्वे करती है, उसके बाद में क्लेम का भुगतान उस किसान के अकाउंट में हो जाता है कुछ समय बाद। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखती हैं कि एक तो अंकुरण की समस्या, सूखा और टिड्डी दल का प्रकोप, ये एक खेत में नहीं हो सकता, ये वो पूरे क्षेत्र या गांव या एक जोन में होता है तभी किसान को लाभ प्राप्त हो सकता है, एक इंडिविजुअल खेत में इस तरह की समस्या नहीं हो सकती हैं। लेकिन किसी खेत में बादल पड़ सकता है, बिजली गिर सकती है, प्राकृतिक कारण से आग लग सकती है, स्लाइडिंग हो सकती है, फसल डूब सकती हैं, या किसी नदी नज़दीक या पहाड़ का पानी आके और फसल जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा एक इंडिविजुअल खेत में हो सकता है। इस स्थिति में किसान को एक टोल फ्री नंबर है जो मैं आगे जाके आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 72 घंटे के अंदर उसकी कंप्लेन दर्ज करा के और कंप्लेन नंबर आपको लिख देने हैं, उसके बाद में रेवेन्यू और फसल बीमा के प्रतिनिधि या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फसल बीमा के प्रतिनिधि आपके खेत में आते हैं और खेत का आकलन करके और प्रतिशत निकालते हैं और उसके अनुसार किसान के अकाउंट में क्लेम का भुगतान हो जाता है। अब जिन्होंने लोन ले रखा होता है उनका जो गिरदावरी के अंदर फसलें लिख के दी जाती हैं उसके अनुसार बैंक खरीफ के लिए 29 जुलाई तक इंतज़ार करता है, उसके बाद में वो गिरदावरी के अनुसार उनका गिरदावरी और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसका बीमा कर देता है, और रबी की सीजन में वो दिसंबर में बीमा करता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि यदि कोई किसान चाहता है कि मुझे इस बार मैं फसल की बुआई कर ही नहीं रहा हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो बैंक में जा कर के और 24 जुलाई तक ऑप्शन आउट एक फॉर्म होता है बैंक में, वो फॉर्म भर के दे सकता है। ये बात मैं ऋणी किसानों के लिए बता रहा हूँ, तो उसकी फसलों का है जो प्रीमियम नहीं कटेगा। दूसरा होता है कि आपने गिरदावरी के अंदर कुछ और फसलें लिख के दी हैं और उसके बाद में आपने नलकूप बनवाया हो, और जैसे उदाहरण के लिए आपका मूंग, बाजरा और गंवार लिख के दिया है और अभी आपका नलकूप तैयार हो गया, कनेक्शन हो गया, और अगर आप मूंगफली की बुआई की है तो ऐसी स्थिति में आपको एक शाखा प्रबंधक के नाम से एप्लीकेशन लिखना होता है कि मेरे इस वर्ष इस फसल की मैंने बुआई की है इतने क्षेत्रफल में, इसका बीमा किया जाए, और उसके साथ में आपको एक गिरदावरी जो है पटवारी से लेके और साथ में आपको देना है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, अगर कोई गैर ऋणी जिसने लोन नहीं ले रखा है और वो बीमा करवाना चाहता है, अब गैर ऋणी किसान है वो, उसके लिए सबसे आसान है कि वो ग्राहक सेवा केंद्र पर जा कर के अपने आधार कार्ड और पटवारी के द्वारा वेरीफाइड नवीनतम जमा मंदी जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं हो
और बैंक खाते की पासबुक जिसमें आईएफएससी कोड और खाता नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि पासबुक नहीं है तो कैंसिल्ड चेक की प्रति ये चाहिए। जिसने लोन नहीं ले रखा है वो अपना बीमा करवा सकता है। अब बटाईदार जिसने इजारे पे किसी का खेत ले रखा है तो उसको एक अतिरिक्त शपथ पत्र एक एग्रीमेंट बनता है वो प्रस्तुत करना होगा। बीमा कराने वाले किसान और जो बीमा कराने वाला किसान है जिसने ज़मीन इजारे पे ले रखी है उसका और जो स्वामित्व रखता है उन दोनों के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी चाहिए उसमें और नोटरी वगैरह करा के और एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब ये था कि मुख्य जानकारी। अब हमारा बीमा हो गया और यदि किसी जो मैंने कारण बताए थे इनकी वजह से यदि फसल नष्ट होती है तो 72 घंटे के अंदर आपको टोल फ्री नंबर 1800-266-4141 पे शिकायत दर्ज करवाना है और शिकायत दर्ज कराते समय आपको जो बीमा पॉलिसी है वो बताना होगा, आधार नंबर बताना होगा और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बताने होंगे, तो ये निश्चित रूप से आप पास में रखें। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ बताता हूँ कि किस क्रॉप में कितने हेक्टर का बीमा कराने पर कितना प्रीमियम पे करना होता है। तो इसके लिए किसान भैया आपको www.pmfby.gov.in वेबसाइट है, इसको आप गूगल पे लॉगिन करके और देख सकते हैं। तो इसमें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें एक है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, इसको आप क्लिक करते हैं। अब इसमें जो है सीजन, इसको हम क्लिक करेंगे और खरीफ पे जाएंगे और स्टेट सेलेक्ट ईयर 2022 और स्कीम जो है वो हम लेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब चूंकि मैं राजस्थान से हूं तो आप जिस भी स्टेट के हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट पे जाना है। हमारे केस में डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसान भाइयों अलग अलग कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस वर्ष हमारे जोधपुर में फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस करके कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमारे को यहाँ पर क्रॉप सेलेक्ट करना होगा। अब यदि हम जैसे लेते हैं ग्रीन ग्रैम मूंग, अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल लेना होगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल मैं रखता हूँ एक हेक्टर। एक हेक्टर में हमारे राजस्थान के हिसाब से 6 बीघा ज़मीन आती है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो किसान भैया मूंग की फसल अगर एक हेक्टर क्षेत्रफल में आप बीमा करवाते हैं तो किसान को 954,956 रुपये पे करने होंगे, और यदि वो 2 हेक्टर में जाता है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, और उसके अलावा जो ग्राहक सेवा केंद्र का चार्ज है वो भी उसको देना होगा। अब यदि एक किसान एक हेक्टर मूंग के लिए 954 रुपये प्रीमियम पे कर रहा है तो भारत सरकार उसके लिए 10,495 रुपये अपनी तरफ से पेमेंट कर रही है, ठीक है नहीं? यानी ये प्रीमियम, इतना प्रीमियम किसान देगा और ये जो 10,000 यानी तकरीबन 10,500 रुपये का प्रीमियम उसके लिए भारत सरकार पे कर रही है ना, कितनी अच्छी बात। अगर मूंग की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो आपको यानी 100% नुकसान होता है तो आपको 47,709 रुपये क्लेम मिलता है। यदि 50% होता है तो इसका हाफ यानी आप इसका प्रतिशत निकाल सकते हो, जितने प्रतिशत फसल का ख़राब होता है वो आपके क्लेम आपके अकाउंट में आता है। दूसरी बात, जो आपसे बीमा लिया जा रहा है 954 रुपये, ये 47,709 रुपये का 2% है, आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फसल की गणना करते हैं हम। यहाँ हम ले लेते हैं इसकी जगह ग्राउंड नट और एरिया हमारा वही 1 हेक्टर है। तो देखते हैं इसके लिए किसान कितना प्रीमियम पे करता है और भारत सरकार कितना करती है। किसान को 1 हेक्टर मूंगफली के लिए 2,262 रुपये पेमेंट करने होंगे और इसकी जगह 9,049 रुपये पेमेंट भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
यदि फसल 100% क्षतिग्रस्त हो जाती है तो किसान के खाते में 1,13,116 रुपये क्लेम होता है। यदि 50% खराब होता है तो 1,13,116 का हाफ, जितने प्रतिशत नुकसान होता है वो इस संख्या से प्रतिशत निकाला जाएगा। यदि इस संख्या का आप 2% निकालते हैं तो 2,262 रुपये होते हैं, जो कि खरीफ सीजन की फसलों के लिए किसान को पे करना होता है। तो किसान भाइयों, मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और एक बार फिर मैं कहूँगा, यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप अपने खेत में बोई हुई फसल का, खुद के खेत में बोई हुई फसल का, जितने क्षेत्रफल में फसल बोई हुई है उसका यदि बीमा कराते हैं, और जो मैंने रीज़न बताए प्राकृतिक आपदाओं के कारण से वास्तव में ही आपके खेत का नुकसान होता है, तो आपको टोल फ्री नंबर पे अपनी 1-800-266-4141 पे कंप्लेन दर्ज करा के कंप्लेन नंबर प्राप्त करना है और अपने खेत का सर्वे कराना है। यदि सर्वे नहीं होता है तो आप इस नंबर पे दोबारा कंप्लेन नंबर बताएंगे और आपके खेत का सर्वे होगा। फिर भी नहीं होता है तो आप बैंक या संबंधित कृषि विभाग में जा कर के इस चीज़ का इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।